अदो फ्राई था, ये आती है आपके चार नंबर की, एक आता है एक नंबर का, एक आता है आपको तीन नंबर क्वेश्चन आता है प्रायिकता का। अब एक नंबर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान देना, सूत्र पूछ सकते हैं प्रायिकता का, तो सूत्र क्या याद करेगा, अनुकूल परिणाम बता, और ये पूछ सकते हैं सभी परिणामों का योग है या प्रायिकता के सभी परिणामों का योग होता है, कुल कितना योग होता है एक, परिणाम प्रायिकता के सभी परिणामों का योग होता है एक, प्रायिकता होने और प्रायिकता नहीं होने दोनों का जो योग होता है वो भी कितना होता है एक। अगर सवाल में आ गया कि पीई मतलब प्रायिकता होने की और ये है प्रायिकता नहीं होने की, कोई चांस दे रखा है किसी व्यक्ति का कोई भी चीज के मतलब होने और नहीं होने दोनों, मतलब किसी सवाल में बढ़े तो उसमें होने और नहीं होने, मान लो होने का चांस है अगली तारीख को बर्थडे आएगा या नहीं आएगा, होने के चांस मान लो है 0.7 तो नहीं होने कितने हो जाएंगे, हमें करना क्या है इस मान को यहाँ जमाना है, तो 0.7 प्लस प्रायिकता नहीं होने की हमें क्या करनी है ज्ञात करना है, उसको उधर भेज दो, तो बताओ प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता अगर आपको ज्ञात करनी है एक माइनस 0.7 कितना हो जाएगा 0.3, जो भी मान दे रहे हैं घटाना है बिन में आ जाए कि किसी संख्या की प्रायिकता यानी यहां से तो कोई नंबर नहीं आने की प्रायिकता दे रखी है 1/7, ये है नहीं होने की, मतलब ये आपके दे रखा है पीई नहीं दे रखा है, तो उसी कार्य की या उसी संख्या के होने की प्रायिकता बताओ, ऐसे सेम मतलब प्रायिकता होने की तो करनी है ज्ञात और नहीं होने की दे रखी 1/7 बराबर 1 उधर दे दो, तो जो भी कार्य होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है घटा दो, प्लस का है उधर गए तो माइनस कर दो, 7 क्या आ गया आपके प्लस, अब 7 + 7 माइनस 1 कितना आ गया 6/7। अब एक क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन आ जाए पासे का ही, पासे में कुल अंक कितने होते हैं 6 अंक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और, अब पासे में पूछ ले कोई भी कि बताओ सम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, सूत्र ये रहा अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो है आपके 6 और सम है कितनी, सम 2, 4, 6 सम है, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग जाए वो सम है, बताओ कुल कितना हो गया 3, मतलब आधे चांस है, चाहो तो काट सकते हो, चाहो उत्तर पॉइंटों में भी निकाल सकते हो, पॉइंट वाले भी राइट है, ये वाले भी राइट है और ये वाले भी राइट, जो इच्छा है वो इतना कर सकते हो, या ऐसे पूछ ले कि बताओ 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो 4 से बड़ी कौन सी है 5 और 6, तो ये आ जाएगा आपके 2/6 या कह सकते हो 1/3 या पूछ विषम संख्या विषम जगह ले बताओ 1, 3 और 5 पूछ ले, अब बाजे कौन कौन सी है 2, 3 और 5 अब बाजे जिसमें केवल स्वयं का ही भाग जाए और किसी का भाग नहीं जाए, तो भाज्य कौन था, भाज्य कौन सी है ये तो है आपके अभाज्य, और भाज्य कौन सी है 4 और 6 इसमें अन्य संख्या का भी भाग जाता है, और एक ऐसी है ना भाज्य माती है ना ही अभाज्य, तो ना तो आपको भाज्य में काम लेनी ना अभाज्य में काम लेनी, फिर आ जाए आपके सिक्कों का, एक सिक्का है, सिक्का कितना है एक सिक्का है, तो बताओ पहलू कितने होंगे 2, या तो आएगा हेड या आएगा, सिंपल क्वेश्चन आ जाए सिक्के को ऊंचाई पर पट आने की प्रायिकता, देखो एक सिक्का एक हेड एक टेल है कुल कितने हो गए 2, सवाल में आ जाए चित आने की प्रायिकता कितनी 1/2, पट आने की भी 1/2, पट नहीं आने की भी 1/2 और चित नहीं आने कोई पूछ ले आपसे, सिक्का एक है और प्रायिकता पूछे तो आपका हमेशा 1/2 ही है, एक सिक्का है सिक्के का कितना आ जाए 2 सिक्के आ जाए, तो फिर आपको देखना है कि या तो दोनों हेड या हेड टेल या टेल हेड या दोनों ही टेल, आज पूछ ले दोनों चित आने की तो 1/4, दोनों पट आने की तो 1/4, एक चित आ जाए एक आ जाए पट आ जाए, तो देखो किसमें 2 का हो रहा है तो क्या आ जाएगा 2/4, मतलब 1 आ जाए चित और 1 आ जाए पट, तब अगर पूछे आपसे तो क्या आ जाएगा आपके 2/4, आज मुझे हो सकता कुछ भी, अब है आपके दो पासे का सवाल बड़े क्वेश्चन में आ सकता है आपके 2 नंबर में बड़ा 3 नंबर में आ सकता है वहां पर,
और सभी ब्रांच का योग बता दिया मैंने, एक फिर आ जाए आपके क्या ना दास का आ जाए इक्का आने की ब्रांच का बताओ। तो तार इक्के होते कितने? चार इक्के होते हैं, तो कुल पत्ते कितने? बावन। और आपसे पूछ ले कि इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता हो जाएगी आपके चार बटा, और इक्का नहीं आने की प्रायिकता 48 बटा बावन, मतलब चार पत्ते इक्के है बावन में से, बाकी पत्ते इक्के नहीं है। बेगम पूछ ले, गुलाम पूछ ले, यहाँ पूछ ले, काले रंग का पत्ता कितने होते हैं? 26 बटा 52। कोई भी एक पूछ ले उसमें से तो आपको आना चाहिए उसमें से। हाँ तो बेग का पूछ ले, बादशाह पूछ ले, आपको आने की प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं? पहले उत्तर में बताते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान दो भाई, आपके 3 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान दो। एक ठेले में अगर मान लो 500 है लाल गेंद और काली गेंद दे रखी है 3 और सफेद है, सफेद है मान लो 60, तो कितना हो गया? तो 15। तो हमें मतलब बिना देखे गेंद निकालिए उसकी प्रायिकता बताओ। अगर गेंद लाल गेंद हो तो बताओ प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल तो हो गए आपके 15। अगर पूछे कि वो गेंद काली हो तो क्या हो जाएगा? 3 बटा 15। अगर ये पूछे सफेद है तो 7 बटा 15 और लाल पूछे तो 7 बटा 15। और ऐसा पूछ ले कि लाल गेंद नहीं हो, लाल गेंद नहीं पूछा है तो बताओ कोई कुल परिणाम कितने हैं? 15। लाल है तो 5 बटा 15, लाल नहीं है तो 10 बटा 15। ये दोनों गेंद ऐसी जो लाल नहीं है तो क्या आ जाएगा? 10 बटा 15। यहाँ जाओ तो पहले लाल का ज्ञात कर लो, फिर लाल होने और नहीं होने दोनों का जो योग होता है वो कितना होता है आपके? 1 होता है। अगर ये वाला मान लाल गेंद होने का कितना है? 3 बटा 15। तो नहीं होने का हमें क्या करना है? अगर ज्ञात करना है घटा दो तो घटाया कितना रहेगा? यही आएगा 10 बटा 15। अगर लाल गेंद नहीं होने की अगर आपको ज्ञात करना है 1 माइनस 3 बटा 15, 15 आ गया सब 15 3 5 कितना है मान लो लाल गेंद का 5 है, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता अगर ज्ञात करनी है तो क्या आएगा? 15 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 10। होने के लिए ऐसे क्या करने है? नहीं करने के तो आप 14 भाग कर सकते हो, 14 ले लो, कुल गेंद थी 15, 15 में से लाल कितनी है? 5, तो लाल नहीं है कितनी? 10। अब एक पूरा बॉक्स है उसके अंदर एक कुल जो डिस्क है वो कितनी दे रखी है आपके? 90। हरेक पर नंबर लिखा हुआ 1 2 3 4 5 नंबर लिखा हुआ है। आपसे पूछ ले कि बताओ 2 अंक की संख्या होने की प्रायिकता बताओ, 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता क्या करनी है आपको? ज्ञात करनी है। बताओ कुल डिस्क कितनी है? अब कहा है 2 अंकों वाली, 2 अंकों कितनी बताओ? एक से लगाकर 9 तक जो संख्या है ना वो तो है सिंगल नंबर की, और लेकिन 10 से लगाकर 90 तक 21 संख्या ऐसी है जो कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके? 9 बटा 10। यार कह दे कि 5 से भाज्य बताओ, 5 से भाज्य कौन कौन से बताओ? 5 10 15 या 90 तक लिखना है आपको, तो ये 20 25 30 आवाज नहीं और 90 कुल संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। 90 संख्याएं कुल है जिसमें से 18 संख्याएं ऐसी है जो 5 का भाग जाता है, बताओ उत्तर क्या आ गया आपके? 1 बटा 5, मतलब हर 5 में से एक संख्या क्या है आपके? प्रायिकता हो जाएगी। अब अगला है आपके, पूछ ले आपसे ये सवाल और पूछे आपसे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में पूछ ले। पूर्ण वर्ग मतलब 1 × 1 कितना होता है? 1, 2 × 2 = 4, 9 16 25, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64। बस 90 तक लेना है, कहाँ लेना है? 90 तक, आगे 100 लेना है, जितना पूछे ना उसके हिसाब से ही आपको लेनी संख्या। यहाँ 30 ही है तो हम यहाँ तक ही लेंगे, 40,000 तो यहाँ तक लेंगे, 50,000 तो यहाँ तक लेंगे, ज्यादा कुछ ज्यादा लेंगे। तो कुल कितने परिणाम है? कुल तो 90 परिणाम है,
एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, उत्तर आ गया एक बटा दस। तो दस में से एक संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकाले तो आराम से मतलब वर्गमूल निकाल सकते हैं संख्या की। अब आ जाए मान लो एक बॉक्स में पेन है, कितने टोटल खराब पेन तो है 12, खराब पेन कितने 12 पेन तो है खराब, और अच्छे पेन है जिसे लिखा जा सकता है वो है कितना है 132, और कुल पेन कितने हुए, कुल हो गए हैं आपके 144। अब इसमें से ऐसा पेन निकालना है जो खरीदना है आपको, तो खरीदेंगे कौन सा अच्छा है तो खरीदेंगे। तो अच्छा पेन होने की प्रायिकता तो सूत्र क्या ज्ञात करने का, अनुकूल परिणाम बटा कुल 144 है, अनुकूल कितना है 132, 11/12। ये सब सवाल है जो एग्जाम में आ रहा है, इसी में से ही आ जाएगा, ज्ञात आ सकता है टास्क का, इसके अलावा और कुछ नहीं।